अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका यहाँ पर सीख रहे थे अब तरीका भी कैसे सीख रहे थे उच्चारण के नियम की हेल्प से इंग्लिश के जो प्रोनसीशन रूल्स हैं उनकी हेल्प से अंग्रेज़ी को पढ़ना यहाँ पर आप सीख रहे थे तो पिछली जो क्लास थी उसमें आपने कंबाइंड वोवल लेटर्स यानी दो दो वोवल लेटर्स साथ में आते हैं उनके कंप्लीट रूल्स सीखे हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रूल्स मैंने वहाँ पर बताए हैं तो वो ज़रूर आप उन रूल्स को भी पहले सीख लें तो यहाँ पर देखें आज का जो प्रोनाशिएशन रूल होगा ना वो है एस आई ओ एन को लेकर यानी कि इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती है उनमें एस आई ओ एन आ जाता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस एस आई ओ एन को क्या प्रोनाउंस करें क्योंकि एस आई ओ एन को इसको कहीं पर तो शन पढ़ा जाता है और कहीं पर जन पढ़ा जाता है कब शन पढ़ें और कब जन पढ़ें तो इसका अपना रूल होता है चलिए रूल की तरफ चलते हैं देख ले रूल क्या है एस आई ओ एन से पहले कोई वोवल है वोवल का मतलब क्या होता है ए ई आई ओ यू ये लेटर्स है ना यानी कि स्वर जिन्हें हिंदी में बोलते हैं तो उस समय उस वक्त जो है एस आई ओ एन इसका उच्चारण शन नहीं होगा क्या होगा जन होगा जन होगा एस आई ओ एन का यानी कि इससे पहले अगर कोई वोवल लेटर आ जाए तो जन करके आप प्रोनाउंस करेंगे अब यहाँ पर देखें एस आई ओ एन से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाएगा ना यानी कि व्यंजन आएगा तो वहाँ पर आप एस आई ओ एन को शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया कब शन पढ़ें और कब जन पढ़ें अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ले स्पेलिंग्स के साथ जैसे यहाँ पर है ए आई ओ यू और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं एस आई ओ एन का उच्चारण जन हो रहा है क्या हो रहा है जन जैसे ये है ओकेजन क्या है ओकेजन या ओकेजन दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है ओकेजन तो ओकेजन का मतलब होता है अवसर अब यहाँ पर देखें एस आई ओ एन से पहले ए क्या है वॉवल है इसलिए यहाँ पर जन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं एस आई ओ एन को अब यहाँ पर देखें ये है इनवे जन यहाँ पर भी एस आई ओ एन से पहले ए है ए क्या है एक व लेटर है इसलिए एस आई ओ एन को जन करके प्रनाउंस कर रहे हैं इनवेजन का मतलब होता है आक्रमण ऐसे ही कलिजन कलीजन यानी कि टक्कर यहाँ पर भी एस आई ओ एन से पहले आई है आई जो कि एक व लेटर है फिर यहाँ पर देखें प्रोविजन प्रोविजन यानी कि प्रावधान यहाँ पर भी एस आई ओ एन को जन पढ़ रहे हैं क्योंकि एस आई ओ एन से पहले आई है यहाँ पर देखें रिवीजन क्या पढ़ रहे हैं रिवीजन एस आई ओ एन से पहले क्या है यहाँ पर भी आई है आई एक वोवल लेटर है रिवीजन करना यानी कि दोहराव करना यहाँ पर देखिए विजन क्या है विजन आप इसको विजन नहीं पढ़ सकते विजन पढ़ेंगे ज करके इसका साउंड आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि एस आई ओ एन से पहले आई है और आई जो है एक व लेटर है विजन यानी कि दृष्टि यहाँ पर देखें एक्सप्लोजन क्या है एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट अब यहाँ पर देखिए एस आई ओ एन से पहले ओ लेटर है जो कि एक स्वर है यानी कि वोवल लेटर है तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस आई ओ एन को जन पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखें ये क्या है कन्फ्यूजन एस आई ओ एन से पहले यू है जो कि स्वर है वोवल है कन्फ्यूजन यानी कि भ्रांति तो यहाँ पर भी जन करके पढ़ रहे हैं एस आई ओ एन को ये देखें इल्यूजन या इल्यूजन दोनों ही सेम है इल्यूजन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको देख लें आप इल्यूजन करके प्रोनाउंस करेंगे एस आई ओ एन से पहले यू है इसलिए जन पढ़ा है एस आई ओ एन को भ्रम होना ये देखें फ्यूजन है फ्यूजन का मतलब होता है विलय हो जाना यहाँ पर देखें फ्यूजन जन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं एस आई ओ एन को क्योंकि इससे पहले यू है एक स्वर है जो कि एक वॉवल लेटर है अब आगे एग्ज़ाम्पल देख लें कॉन्सोनेंट के बाद एस आई ओ एन आएगा ना तो वहाँ पर उन स्पेलिंग्स में आप एस आई ओ एन को शन प्रोनाउंस करेंगे जैसे आर के बाद होता है ना ये ध्यान रखना है कि आर के बाद जब एस आई ओ एन आ जाता है तो कहीं पर जन और कहीं पर शन दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर दिया जाता है अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के बाद एस आई ओ एन आ जाए तो शन पढ़ेंगे आ, देखें यहाँ पर जैसे ये है कन्फेशन क्या पढ़ा है इसको कन्वेजन नहीं पढ़ेंगे कन्फेशन पढ़ेंगे क्योंकि एस आई ओ एन से पहले एस है कॉन्सोनेंट है कन्फेशन का मतलब होता है दोष स्वीकृति यानी कि अपने दोष को मान लेना ये देखें डिप्रेशन है इसको डिप्रेश डिप्रेशन नहीं पढ़ सकते डिप्रेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि एस आई ओ एन से पहले एस है डिप्रेशन अवसाद कोई भी डिप्रेशन हो जाना अपने दिमाग में किसी का ज़्यादा इफेक्ट हो जाना यहाँ पर देखें ये है मिशन क्या है मिशन अब यहाँ पर भी शन पढ़ रहे हैं क्योंकि एस आई ओ एन से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है इसका मतलब होता है लक्ष्य यहाँ पर देखें पैशन है पैशन में एस आई ओ एन से पहले एस है जो कि एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने शन पढ़ा क्या पढ़ा एस आई ओ एन को शन पढ़ा पैशन होना जुनून होना ये देखें प्रोफेशन क्या है अब इसको प्रोफे प्रोफेशन नहीं पढ़ेंगे प्रोफेशन प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा यहाँ पर देखें रिसेशन क्या है रिसेशन यानी कि मंदी होना अब यहाँ पर रिसेशन है रिशे, जन नहीं पढ़ेंगे अब जब आपको पता है कि एस आई ओ एन से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो शन पढ़ रहे हैं इसलिए रूल अगर आपको पता चल गया है तो आप इसको करेक्ट ही पढ़ेंगे यहाँ पर देखें यह है कंपल्शन क्या है कंपल जन नहीं पढ़ेंगे कंपल्शन मतलब मजबूरी होना ये है रिपलशन क्या है रिपलशन रिपल्शन यहाँ पर क्या है एक्सपेंशन क्या है एक्सपेंशन अब इस स्पेलिंग को आप एक्सपेंशन भी पढ़ सकते हैं और एक्सपेंशन भी रीड कर सकते हैं विस्तार या फैलाव एक्सपेंशन या एक्सपेंशन दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर भी ई को ई और ए दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है तो यहाँ पर है एक्सटेंशन क्या है एक्सटेंशन यानी कि विस्तार या एक्सटेंशन अब एस आई ओ एन से पहले यहाँ पर एन है इसलिए शन पढ़ा एस आई ओ एन को यहाँ पर है पेंशन क्या है पेंशन इसको भी शन नहीं पढ़ते हैं एन है एस आई ओ एन से पहले जो कि एक कॉन्सोनेंट है पेंशन का मतलब है निवृत्त पेंशन जो भी पेंशन आती है निवृत्ति वेतन यहाँ पर देखें एडमिशन क्या है एडमिशन या एडमिशन एडमिशन यहाँ पर भी एस आई ओ एन से पहले क्या है एस है जो कि क्या है एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है एडमिशन फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये है कमीशन कमीशन नहीं पढ़ेंगे कमीशन पढ़ेंगे क्योंकि पता चल गया रूल कि एस आ रहा है एस आई यू एन से पहले जो कि क्या है क्या है कॉन्सोनेंट है यहाँ पर देखें ये है कंपैशन कंपैशन और यहाँ पर है कंसेशन कंपैशन मीन्स करुणा और यहाँ पर देखें यह है कंसेशन किसी में छूट करते हैं तो वो अब क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि शन क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि एस आई ओ एन से पहले अगर जो पहला लेटर होता है इनसे पहले एस आई ओ एन से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम एस आई ओ एन को शन पढ़ेंगे अगर वोवल लेटर होता है एस आई ओ एन से पहले जैसे इनमें यहाँ पर आपने एग्जांपल्स देखे तो उनको आप क्या पढ़ेंगे उन स्पेलिंग्स में एस आई ओ एन को शन करके प्रनाउंस करेंगे तो ये दो नियम बनते हैं एस आई ओ एन को पढ़ने के टी आई ओ एन शन है ना उसको भी पढ़ने के कुछ रूल्स है तो यहाँ पर एस आई ओ एन के रूल तो आपको समझ में आ गए लेकिन यहाँ पर एक रूल और बनता है टी आई ओ एन को लेकर टी आई ओ एन को भी आप शन पढ़ते हैं सारी स्पेलिंग्स में शन पढ़ेंगे लेकिन एक रूल बनता है कि टी आई ओ एन से पहले एस आ जाए तो उसको आप आधा स और चन इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे जैसे कि आप स्पेलिंग्स देखें आधा श चन चन आधा श का आधे स का साउंड आएगा श नहीं आधा स चन तो इस तरीके से अब देखें यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये है ये स्पेलिंग क्या है डाइजेशन तो यहाँ पर डाइजेशन नहीं बोलेंगे डाइजेशन ये रूल है पढ़ तो इसको डाइजेशन ही रहे होंगे आप लेकिन टी आई ओ एन से पहले अगर एस आ जाता है तो ये इसका प्रोनाशिएशन होता है यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन किया गया है इसको देख सकते हैं आधा स और च न चन डाइजस्चन इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे डाइजस्चन यहाँ पर देखें सजेस्चन यहाँ पर भी आधा स और चन ही प्रोनाउंस होगा क्योंकि टी आई ओ एन से पहले अगर एस आ जाता है तो शन नहीं होगा वहाँ पर प्रोनांशियेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं कंजेशन क्या है कंजेशन यहाँ पर टी आई ओ एन से पहले एस है अब ऐसा ही आप करते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन कब पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं आधा स और फिर चन चन ये प्रोनान्शन होता है अब डाइजेशन पढ़ते होंगे तो वो गलत प्रोनाशिएशन है क्योंकि रूल इसका यही है कि टी आई ओ एन से पहले अगर एस आ जाता है तो आप उसको चन चन ऐसे पढ़ेंगे शन नहीं पढ़ेंगे बाकी सारे स्पेलिंग्स में शन पढ़ेंगे तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कंप्लीट आपने एस आई ओ एन टी आई ओ एन के पढ़ने के रूल सीख लिए हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ तब तर...